क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ना 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन 40 है। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस 3:3:2 में, और बैलेंस शीट हमें गिवन है 31 मार्च 2019 की। क्रेडिटर दे रखे हैं, जनरल दे रखे हैं, कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, कैश एट बैंक है, डेटर हैं, स्टॉक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है। आगे चलते हैं। अब कुछ पॉइंट हैं। पार्टनर ने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से उन्होंने रेशियो चेंज किया है 4:3:2। अब देखो दोनों रेशियो मिल गई ना आपको, ओल्ड रेशियो भी और न्यू रेशियो पर लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो आपकी है 3:3:3:2, और न्यू रेशियो हमें गिवन है 4:3:2। ये न्यू रेशियो दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आगे दे रखे हैं हमें, एक तो स्टॉक की वैल्यू 110 करनी है। अच्छा पहले अब देखो स्टॉक कितने का है, तो देखना प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। पहले स्टॉक है 120 का, ठीक है, क्लियर है। अब स्टॉक हो गया आपका 110 का, खुद बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, स्टॉक की वैल्यू घट कम हो गई, तो आप मन में आएगा लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ? 10,000 का, ठीक है। पीछे डिफरेंस लेंगे, 120 में से 110 कटाएंगे। मशीनरी को क्या करना है? डेप्रिशिएट करना। अभी भी क्लियर है कि क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। प्रोविजन डेटर पर कितना बनाना है? 5%। अब डेटर भी आपने प्लस में भी पूरे दिन बनाया था, तब भी आपका लॉस होता था, ठीक है, डेटर कम होते हैं ना इससे। बिल्डिंग को क्या करना है? एप्रिशिएट करना है। ये भी आपका देखो एप्रिशिएट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट है, ठीक है। एक लाइबिलिटी है 2500 की, वो क्रेडिटर में शामिल है, उसको देना नहीं है। एक बार बताता हूँ, लाइबिलिटी 2500 इंक्लूडिंग क्रेडिटर, ये नॉट लाइबिलिटी टू अराइज एनी, उसको देना नहीं है। अब ये भी प्रॉफिट है। देखो अभी क्लियर, देखो अब क्या लिखा हुआ है। पार्टनर अग्रीड दैट रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अच्छा मैंने आपको सामने दो केस रखे थे जिसके, बताया था ना मैंने आपको, मैंने कहा था एक तो रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, एक रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्या लिखा हुआ देखो, रिवाइज वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। पार्टनर अग्रीड दैट रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब क्लियर हो गया कि इसके अंदर हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ये सिर्फ ओनली असेट्स और लाइबिलिटी का बनेगा। जो मैंने 5 पॉइंट आपके सामने रखे थे उन्हीं को इसके अंदर आपने फिलअप करना है, डालना है, ठीक है। तो उसके बाद आगे कहता है कि एक पॉइंट और भी आ रहा है कि दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को बांटना नहीं चाहते। अब इसके बारे में याद करो, जनरल रिजर्व देखो आपका है ना, ये देखो ये आपका लाइबिलिटी में दे रखा है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या कह रहा है? इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बांटना नहीं चाहते। अच्छा मैंने आपको कहा था एक तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते तो जनरल एंट्री बनेगी, नहीं करना चाहते तो इसका क्या होता है? याद है सेक्रीफाइस और क्या करते हैं? गेन। यानी इसका मुझे अब सेक्रीफाइस और गेन करना होगा जनरल रिजर्व का। तो आपको क्या करना है? एंट्रीज करनी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट आपने बनानी है। तो क्वेश्चन को आपने करना भी है साथ साथ, जैसे वीडियो को बीच में स्टॉप करके क्वेश्चन को पूरा करना, ये पूरा क्वेश्चन होना चाहिए आपका, तभी हो पाएगा क्वेश्चन आपका। आगे भी चैप्टर में थोड़ा टिपिकली आने वाला, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, करें तो। चलिए पहला कौन सा अकाउंट बनने वाला फिर हमारा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और इधर तुम्हारे लॉस आएंगे, इधर हमारे क्या आते हैं? प्रॉफिट आते हैं, ठीक है। क्लियर कर, शुरू करें पॉइंट को पढ़ना पहला। चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि स्टॉक को हमने 110 करना है। पहले देखिए स्टॉक कितना है, स्टॉक हमें दे रखा है 120। अब कितना करना है? 110। अब बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? कहोगे लॉस हो गया, तो लॉस को आपने 2 में दिखाना है, 2 अच्छा है, 2 स्टॉक। तो 120 में से हम लेस करेंगे 110, तो लॉस कितना हुआ फिर? 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है। उसको आपने दिखाना है 2 स्टॉक 10,000। और आप क्या करना, थोड़ा सा नीचे बैलेंस शीट बना रहा हूँ, काफ़ी थोड़ा बीच में स्पेस छोड़ देना, क्वेश्चन पूरा करना ना। बैलेंस शीट देखो मैं साथ साथ, और स्टॉक आपका 120 था ना, असेट्स में चलना जिधर असेट्स में, तो असेट्स में चलना है। 120 में देखो कितना लेस कर दिया मैंने, 10,000 लेस कर दिया। देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी रहेगी? 110 रहेगी ना, कम हो गया ना। देखो यहाँ पर यहाँ कम करके दिखाना है, ठीक है, जिधर है तो उधर ही, जैसे स्टॉक असेट्स में तो असेट्स में चेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मशीनरी को हमने क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है। कितने परसेंट? 10%। अब तो डेप्रिशिएट करना है, प्रॉफिट है लॉस है? तो आपके मन में आएगा लॉस है, डेप्रिशिएट तो मशीनरी कमी तो होगी ना। तो मशीनरी देखो कितनी दे रखी है, मशीनरी हमें गिवन है इसमें, ये हमें दे रखी है 1,59,000 की, ठीक है, क्लियर हो गया। तो 1,59,000 की मशीनरी को लेके इसका मैं 10% करूँगा। चलो करता हूँ, देखो 1,59,000 इसका कर देते हैं हम 10%, तो आपका देखो 1,59,000 लॉस हो गया। टू मशीनरी, टू क्या लिखेंगे? मशीनरी 1,59,000।
और मशीनरी में से आप 15900 को क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब नई मशीनरी देखो कितने की रहेगी, 143100 की। लॉस को इधर शो करना है, लॉस है ना, देखो लॉस टू मशीनरी। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा, देखते हैं कि प्रोविजन डेटर के ऊपर हमने बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 5% बढ़ाना है। अब डेटर देखो कितने के थे, डेटर हमें दे रखे थे 44,000 के, 44,000 के थे ना। अब इसके ऊपर बनाएंगे 5% प्रोविजन, तो डेटर कितने कम हो गए, 2200 ही प्रोविजन बना, लॉस हो गया। इसको भी हम शो करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2200, और डेटर में से हम 2200 को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब आपके डेटर रह गए 41800 के। क्लियर हो गए यहाँ तक? ये 3 पॉइंट मैंने कराए हैं, स्टॉक की वैल्यू कम करी है, यहाँ लॉस दिखाया है, तो यहाँ पे देखो, और यहाँ स्टॉक की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, मशीनरी को कम किया है, डेटर पे प्रोविजन बनाया है, और सब लॉस तीनों टू टू में शो कर दिए। यहाँ सिर्फ लॉस प्रॉफिट जो लॉस हुआ है वो दिखाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, बिल्डिंग को हमने एप्रिशिएट, पहले देखो बड़ा क्या, एप्रिशिएट मतलब क्या होता है, यानी बढ़ाना है बिल्डिंग को, हमने क्या करना है, बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, 20%। तो बिल्डिंग के आपको देखो कितने की बिल्डिंग गिवन है, पहले आपकी बिल्डिंग दे रखी है हमें इसमें 2 लाख की है ना, 2 लाख है ना, तो 2 लाख का हम बनाएंगे, कितना बनाना है, 20%, तो 2 लाख ले लेंगे, 2 लाख का 20% बनाएंगे, तो हमारा 40,000 ये प्रॉफिट होगा। अभी प्रॉफिट होगा बाय बिल्डिंग, 2 लाख का 20% कितना बन गया, 40,000। और बिल्डिंग में आपने 40,000 को आपने क्या करना है, ऐड करना है, 40,000 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो बिल्डिंग आपकी हो जाएगी यहाँ पे 2,40,000 की हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपका आ रहा है कि लाइबिलिटी थी 2500 की, क्रेडिटर में इंक्लूड थी, उसको देना नहीं है, 2400 इंक्लूडिंग क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी अराइज। अब ये देखो 2500 किस में, 2500 किस में इंक्लूड है, क्रेडिटर में, उसको देना नहीं है। अब देखो क्रेडिटर को नहीं देना पड़ेगा, मान लो क्रेडिटर हमें से डिमांड नहीं करे कुछ, यानी कि उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, इसका तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, तो आपका भी प्रॉफिट हो गया, तो बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर की लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है, ठीक है, 2500। और क्रेडिटर लाइबिलिटी में आते, लाइबिलिटी में ही शो करेंगे, जिधर आपको वो दे रखा है क्रेडिटर है 20, उसमें से आप लेस करेंगे 2500, बाकी क्रेडिटर रह जाएंगे 21500 के। क्रेडिटर कम होंगे तभी तो प्रॉफिट हो रहा है ना, ही तभी तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब आपने क्या करना है, अभी ये पॉइंट आपके सारे पाँचों कंप्लीट हो गए, अब आप आओ वैल्यूएशन अकाउंट में जो आपके सामने बना हुआ ना, देखो ये, तो इसमें ना अब आपने देखना है कौन सी साइड ज़्यादा हो रही है, अब मैंने टोटल नहीं किया इसका, तो टोटल करूँ तो देखो ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है, साइड का टोटल होता है हमारा 42500, तो हम इसके इक्वल यहाँ लिख लेंगे 42500। अब इस टोटल में इसका जो टोटल होगा कर लेते हैं एक बार, कितना बनेगा वो इसमें से हम लेस करेंगे, इस साइड का टोटल हमारा आ रहा है 28100, जबकि इस साइड का टोटल कितना था, 42500, तो 42500 में से 28100 क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो 1440 ये हमारा डिफरेंस है, ये हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को हम यहाँ लेंगे 1440 टू प्रॉफिट, ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर, पार्टनर ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे, ए बी और सी, ठीक है, और ओल्ड रेशो क्या है इनकी, थ्री, न्यू रेशो का नहीं कोई रोल, न्यू रेशो का कुछ नहीं करना, ओल्ड रेशो क्या है, 3:3:2। अब इसका पता ना क्या होता है, 3:3:3 by 8, 3:8, 2:8, तो हम क्या करेंगे, 1440 का पहले करेंगे 3:8, फिर 1440 का दोबारा 3:8, 1440 का 2:8, तो ये हमारा जो प्रॉफिट आपका आएगा 5400 आ जाएगा, पहले का, ए का, बी का भी 5400 आएगा, और सी का आएगा 3600, ये आपका प्रॉफिट होगा जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना, किस किस में, ए बी और सी में। अब आ जाते हैं इसके आगे ना, इसका हमने क्या बनाना है, जनरल बनाना है, क्या बनाएंगे, जनरल, जनरल एंट्री देखो, अब आपको पहले भी मैंने आपको करनी बताई थी, ये देखो ये डेबिट साइड है ना, ये कौन साइड है, क्रेडिट साइड, जब आपकी जनरल एंट्री बनाओगे ना इकट्ठी बना देना, इकट्ठी एंट्री बन जाएगी। अब देखो ये क्रेडिट है, यानी रिवैल्यूएशन को मुझे क्रेडिट करना है, क्लियर है, तो ये अंदर वाला हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, अंदर बताओ क्या क्या दे रखा है, बिल्डिंग है और क्या है, क्रेडिटर है, जनरल एंट्री कैसे बनेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अलग अलग बनाने, अलग अलग बना दे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इकट्ठी बना सकते हो, कंबाइन कर दो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, देखो ये बनेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग में कितना, 40,000, इसमें 2500 टोटल हो गया 42500, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके आ गए कि अब डेबिट, इस साइड की एंट्री बनाते हैं, डेबिट वाली साइड की, इतना क्या क्या था, एक तो स्टॉक था,
और एक क्या थी, मशीनरी थी, और एक हमारा क्या था, प्रोविजन था। तीन चीज़ें हमारे इसके अंदर आई थी। तो अभी इकट्ठी कंबाइंड एंट्री करो, प्रॉफिट की एंट्री अलग से बनाएंगे, ठीक है? प्रॉफिट को साथ में नहीं मिलाना। अब रिवॉल्यूशन क्या हो रहा है, डेबिट, यानी रिवॉल्यूशन को तो डेबिट बोलेंगे, ये वाला सारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? दोबारा बोलो, रिवॉल्यूशन को क्या करेंगे, डेबिट, इनको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब तो एंट्री क्या बनी, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। द्वारा बोलो, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो टोटल 10,159,022 टोटल कितना होगा, 28,100। क्लियर हो गया इतना पॉइंट आपको? एंट्री बनानी आ गई ना, कैसे बनानी है? दोबारा देखो, ये रिवॉल्यूशन आपका क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट करेंगे बिल्डिंग को, क्या करेंगे, डेबिट एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कंबाइंड भी एंट्री हो सकती है। अब ये प्रॉफिट की एंट्री मैंने बनाई है, अब देखो बनाता हूँ। देखो रिवॉल्यूशन तो पहले क्या है, डेबिट, और पार्टनर अंदर क्या है, क्रेडिट। अब एंट्री कैसे बनेगी, खुद सोचो। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, कौन कौन पार्टनर है, ए बी और सी, तो ऐसे करके एंट्री देनी है आपने। देखो लिख देता हूँ, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू सीस कैपिटल अकाउंट। ये आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी, ठीक है? प्रॉफिट हम ले लेंगे, कितना प्रॉफिट हमारा हुआ था, 14,400 यहाँ डालेंगे। कितना कितना हमारा डिस्ट्रीब्यूट करके आया था, 5,400, 5,400 और 3,600। 5,400 डालेंगे, 5,400 डालेंगे और 3,600 डालेंगे। ये आपका रिवॉल्यूशन पूरा हो गया कंप्लीट। रिवॉल्यूशन बनाना, बैलेंस शीट में वैल्यू भी चेंज करते जाना साथ साथ। उसके बाद फिर मैंने एंट्री, जनरल एंट्री, इसमें से हमने तीन एंट्री मैंने बना दी, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। इसमें एक पॉइंट आया था कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो अब इसका क्या रहेगा, अब इसके मैंने दो केस बताए थे, एक तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। अब कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो इसका हमें सेक्रीफाइस और क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। इन केस मान लो यहाँ गुडविल भी आ जाती कहीं बीच में, तो गुडविल का भी क्या होता, सेक्रीफाइस और गेन हो जाता। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये देखो ये आपकी ओल्ड रेशियो है, ये हमारी क्या है, न्यू रेशियो है, और सेक्रीफाइस और गेन आपको अच्छी तरह आता है करना। ये सेक्रीफाइस और गेन कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस क्या होता है, न्यू रेशियो। तो ये ओल्ड रेशियो ए बी और सी, ये ओल्ड रेशियो होगी, ये न्यू रेशियो होगी, और ये देखो ये आपका गेन आ रहा है, ये सेक्रीफाइस आ गया, ये सेक्रीफाइस आ गया, ठीक है? और जनरल रिजर्व के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। जनरल रिजर्व हमें गिवन था यहाँ पे 36,000, तो जनरल रिजर्व के साथ इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 36,000, यहाँ भी करेंगे मल्टीप्लाई 36,000, यहाँ भी लेंगे मल्टीप्लाई 36,000। तो ये हमारा आएगा जहाँ पे थर्टी, यहाँ पे कटेगा ना, यहाँ पे काटते हैं ना इसको पूरा, तो ये हमारा पास एंट्री बन जाएगी। ये आएगा 2,500, तो यहाँ आ जाएगा 1,500, आपका यहाँ आ जाएगा 1,000, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? इसका कितना आएगा दोबारा बताना, 2,500, इसका आएगा 1,500, इसका आएगा 1,000। उन केस जो आपका जनरल रिजर्व है ना, वो बैलेंस शीट में आएगा एज इट, क्योंकि आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। और जनरल रिजर्व हमारे पास कितना अमाउंट था आपका, ये 36,000, पूरे का पूरा शो कर देना ऐसे। लेकिन अगर इसकी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते तब एंट्री क्या होती, फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, कौन सी रेशो में करते फिर हम, ओल्ड रेशो में। फिर उस केस में जनरल रिजर्व इसमें नहीं आया करता बैलेंस शीट में, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा, पहले तो बना गया पूरा आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट बना, क्लियर हो गया। फिर आपकी जनरल एंट्री बन गई, ये भी सारी क्लियर हो गई। और जनरल रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट हुआ, सेक्रीफाइस और क्या करके, गेन करके, वो भी ट्रीटमेंट आपका क्लियर हो गया, ठीक है? अब उसके उसने ये कहा है कि कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, पहली बार ऐसा आ रहा है कि मुझे क्या बनाने पड़ रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट ऐसे बनते हैं, एक बार समझ जाना। देखो कैपिटल अकाउंट से बताओ, तो कौन कौन पार्टनर है हमारे पास, ए बी सी, तीन है ना, तीन कॉलम बना रहे, तीन तीनों अमाउंट के कॉलम है, बीच में पर्टिकुलर होता है ऐसे करके, ए बी सी, ये देखो यहाँ लिखते हैं ए बी सी, ये अमाउंट के कॉलम है, ए बी सी, यहाँ पे क्या लेते हैं, पर्टिकुलर, यहाँ भी क्या लेंगे, पर्टिकुलर ले लेंगे, ठीक है? अब इसका हम लाइन लगा लेंगे ऐसे करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो हमें बैलेंस लिखना है, बाय बैलेंस क्या लिखते हैं, ब्रोट डाउन, ये बैलेंस कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले आपको जो बैलेंस शीट दे रखी थी ना, तो उस बैलेंस शीट में लेके चलता हूँ। ये देखो तीन बैलेंस आपको की मैंने, 2,50,150, 150, ये आपके जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, इसको आपने लिखना है। तो यहाँ पर लेंगे 2,00,000, 1,50,000,
एंड 1,50,000 ले लिए। तीनों बैलेंस आपके पास आ गए, 2 लाख भी आ गए, 150 भी आ गए, 150 भी आ गए, बैलेंस हमने ले लिए। अब आपने क्या करना है, जो जो एंटी आपने अब यहाँ कर रखी है, अब पोस्टिंग आपको आती है, लेजर में पोस्टिंग कब होती है, जिस एंटी में कैपिटल होगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो ढूंढते हैं देखो, क्योंकि इस एंटी में कैपिटल तो नहीं है ना, यानी एंटी वहाँ पर नहीं जाएगी, इस एंटी में कैपिटल नहीं है, ये आपकी एंटी वहाँ नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये कैपिटल देखो, अब तो कैपिटल क्रेडिट है डेबिट है, ये क्रेडिट हो गया है ना, क्रेडिट किस किस का क्रेडिट है, ए बी सी का, तो ए बी सी में हम क्रेडिट साइड में डालेंगे कितना कितना अमाउंट बताओ ज़रा एक बार, 5,400, 5,400, 3,600, ये डालेंगे, 5,400 आ गया, 5,400 आ गया और 3,600 आ गया। अच्छा किससे एंट्री बनी थी आपकी, ये कौन सा अकाउंट था ऊपर, रिवैल्यूएशन, तो बाय रिवैल्यूएशन ऐसे करके डालते हैं। लेजर में भी देखो, लेजर में भी कभी उसका नाम नहीं आता, वो कैपिटल खाली कैपिटल को देखते हैं ना, और जो दूसरा होगा वो लिखते हैं बाय रिवैल्यूएशन, बाय क्या आएगा, रिवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, देखो ये एंट्री को और आ रही, देखो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल, अब इसमें कैपिटल डेबिट भी है ना और कैपिटल क्या है, क्रेडिट भी है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा, जिसमें कैपिटल डेबिट भी होता है, कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, यानी जो एंट्री है ना ये आपकी दोनों तरफ आएगी, इधर भी आएगी इधर भी आएगी। तो आपने ऐसे करना, देखो टू में क्या क्या है बताओ पहले, टू बी टू सी है ना, तो ऐसे लिखेंगे टू बी इज कैपिटल और टू क्या लेंगे, सी इज कैपिटल, क्लियर, ये लिख दिया, और ऊपर क्या है ए, ये इसको आप बाय में ले आओ, बाय ए इज कैपिटल, लेकिन जब आप लिखोगे ना लिखना रिवर्स है, अब ए वाला ए में नहीं आएगा, ए वाला किस में आएगा, बी और सी में, क्योंकि देखो ना बी और सी क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट साइड में आऊंगा, ये क्रेडिट साइड है और ये क्या है डेबिट साइड है ना, तो क्रेडिट साइड में बी और सी में डालूंगा, तो कितना कितना डालूंगा, 1,500 और 1,000 ऐसे करके। अब तो ये क्या हो रहा है, डेबिट कितने से डेबिट है, 2,500, तो डेबिट में डालूंगा, लेकिन दो अलग अलग है इसलिए अलग अलग डाल देंगे, 1,500 और 1,000, डालना तो 2,500 ही है ना, तो 2,500 आपका डेबिट में आ रहा है, किसके डेबिट में आ रहा है, ए के। पहले देखो कॉन्ट्रा एंट्री को आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, जिसमें आपका कैपिटल डेबिट भी होगा और कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट भी होगा, सोचो कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी कॉन्ट्रा एंट्री बनानी आ गई आपके पास, ठीक है। तो डालना देखो टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल, और ऊपर क्या है ए, तो भाई ए इज कैपिटल, ए वाला किस में देखेंगे, बी और सी में, बी और सी वाला किस में देखेंगे, ए में। ये कॉन्ट्रा एंट्री तब होती है जब कैपिटल आपका डेबिट भी हो और कैपिटल आपका क्रेडिट हो, जबकि यहाँ कॉन्ट्रा नहीं थी, यहाँ खाली कैपिटल कैपिटल था, उसको क्रेडिट देखा तो क्रेडिट साइड में डाल दिया, ऊपर कौन सा अकाउंट था, बाय रिवैल्यूएशन, तो बाय रिवैल्यूएशन करके डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे, और कोई एंट्री नहीं है हमारे पास, बस ये कैपिटल अकाउंट है आपका, और यहाँ निकालेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस निकालने हैं आपने, जैसे टोटल करेंगे देखो 205,400, इधर देखो 205,400, इसमें क्या करेंगे, इसको हम लेस करेंगे, लेस करके बैलेंस हमारा निकल के आएगा 202,900। अब इसका टोटल करेंगे 1,569,000, इसका करेंगे 1,546,000, तो यहाँ लेंगे 1,569,000, 1,546,000, तो 1,569,000, 1,546,000, ये हमारे बैलेंस निकल के आ जाएंगे। और ये बैलेंस को ना आपने बैलेंस शीट में दिखाना है, लायबिलिटी में ये नए बैलेंस होंगे आपके कैपिटल के, ए बी सी, तो ए का बैलेंस कितना शो करेंगे हम, 202,900, बी का बैलेंस कितना शो करेंगे, 1,569,000, सी का बैलेंस कितना शो करेंगे, 1,546,000, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे अब देखो आपका रिवैल्यूएशन बन गया, क्लियर हो गया, एंट्री सारी बना दिया आपने, तीन एंट्री इससे बनेंगी, एक एंट्री रिजर्व की बनी क्योंकि लिखा होता जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो उसका मैंने क्या ट्रीटमेंट किया, सेक्रीफाइस और क्या करके, गेन करके। फिर उसके बाद इसके कैपिटल अकाउंट उसने पूछ लिए, तो कैपिटल अकाउंट उससे सिर्फ कैपिटल का बैलेंस लिया, रिवैल्यूएशन जो एंटी कैपिटल वाली कैपिटल में डाल के बैलेंस आ गए, और ये बैलेंस को मैंने बैलेंस शीट में शो कर दिया, जनरल रिजर्व इसलिए आया क्योंकि उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अच्छा अब जो बैलेंस शीट बाकी देखो क्या क्या रह गया, वो हमने डालना है ऐसे एज इट, वो डाल देंगे, जैसे देखो ना क्या क्या कोई चेंज, सबसे पहले कैश एंड बैंक, कैश बैंक का बैलेंस कितना था 37, इसका कोई चेंज तो नहीं हुआ ना कहीं, तो बैंक का बैलेंस एज इट ऐसे कैसे डालना है, यानी बैंक का बैलेंस हम कितना दिखाएंगे यहाँ पे, 37,000, वही का वही दिखा देना, क्लियर हो गया बैंक का बैलेंस। अच्छा डेकोडेटर भी अब आपके आ गए ना, स्टॉक भी आ गया, मशीनरी भी आ गई, बिल्डिंग भी आ गई, ये चीज़ मैंने पहले भी डाल दी, स्टॉक अगर मान लो कोई एसेट्स ऐसा होता जिसका कोई चेंज नहीं होता तो वो एज इट ऐसे दिखाना बैलेंस शीट, नहीं जब नहीं है ना रिवाइज बैलेंस शीट। अब इधर देखते हैं इधर क्या क्या है, क्रेडिटर आपके हो गए, देखो ये क्रेडिटर का मैंने पढ़ दिया पॉइंट आपके सामने, जनरल रिजर्व मैंने दिखा दिया ऐसे कैसे, कैपिटल मैंने बिल्कुल नए बैलेंस, ये जो कहाँ से निकले थे क्या बनाकर, कैपिटल अकाउंट बनाकर, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे हम, टोटल जब करेंगे तो टोटल हमारा बन जाता है, टोटल मैच करना चाहिए आपका बैलेंस शीट का, ठीक है, और टोटल हमारा बन जाएगा 5,719,000, 5,719,000, ये टोटल बैलेंस शीट का क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा पहले तो समझ में आया क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन जैसे ही आप वीडियो देखोगे और साथ साथ इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। कौन सा क्वेश्चन है आपका? 40। और इसको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे ही आपने इसको भेजना है करने के बाद, और सब भेजेंगे, कोशिश करो सब करो, जितने आप देख रहे हो ना जो मेरे ग्रुप में ऐड हो, सब के सब ने क्वेश्चन ये जरूर करके देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी आपकी हेल्प करेगा। एडमिशन रिटायरमेंट सीरियस होके करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है? ठीक है।